मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम दुनिया का सबसे सिंपल और इजी वाला सब्जेक्ट स्टडी करेंगे दैट इज इंग्लिश एंड ग्रामर इस सब्जेक्ट में थोड़े बहुत रूल्स होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे अगर एक बार आपने ये रूल्स समझ लिए और याद कर लिए तो आप सभी एक्सरसाइज बहुत ही आराम से सॉल्व कर लोगे और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊ मैं आपको आप सब लोग बहुत ही बेस्ट हो पूछो क्यों क्योंकि आप लोग घर पे बैठ के फुल कंसंट्रेशन के साथ और मस्त आराम से स्टडी कर रहे हो जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होता है मुझे लगता है आप और मोदी जी दोनों साथ मिल के बहुत ही जल्दी कोरोना को इंडिया में से भगाने वाले हो एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट चलिए तो अब अभी हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेट्स अभी मेरी आवाज़ पर से तो आपको पता चल ही गया होगा दैट आई एम एकता मैम राइट नहीं मेरी आवाज़ एकता मैम जैसी नहीं है तो फिर आई एम रिंकू मैम ओके ओके लेट स्टार्ट नहीं नॉट लाइक like रिंकू मैम तो फिर काजल मैम हाँ काजल मैम भी नहीं तो ठीक है मैं आपको अभी फाइनली बता ही रही हूँ कि मैं ना तो रिंकू मैम हूँ ना तो काजल मैम और ना ही एकता मैम एक्चुअली आप लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई नेम इज़ भाग्यश्री भाग्यश्री सामयानी योर न्यू इंग्लिश टीचर डोंट वरी मैं बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हूँ मैं आपको बहुत ही कम होमवर्क दूंगी जिसकी वजह से आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा खेलने के लिए पर मैं जितना भी वर्क दूं वो आपको कंप्लीट करना है ओके रिमेम्बर दैट सब कंप्लीट करोगे उसके बाद ही आप खेलने जाओगे सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में टोटल कितने लेटर्स होते हैं देर आर ट्वेंटी सिक्स लेटर्स इन एन इंग्लिश अल्फाबेट दैट इज़ फ्रॉम ए टू ड अभी इन ट्वेंटी सिक्स लेटर्स में से हम वॉवेल्स कॉल अब करेंगे और कॉन्सोनेंट्स कॉल अब करेंगे ठीक है देखो देर आर फाइव वॉवेल्स इन एन इंग्लिश अल्फाबेट दैट इज ए आई ओ एंड यू दिस आर द फाइव वॉवल्स एंड यू और बाकी के जो अल्फ़ाबेट्स बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं मतलब के 26 लेटर्स में से अगर फाइव वॉवल्स हैं तो बाकी के 21 लेटर्स जो हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं आपने हिंदी में वो स्टडी तो किया ही होगा स्वर और व्यंजन स्वर यानी के अ आ ई उ ऊ उ, उ, ओ ओ अम आ हा, ये सारे स्वर हैं और क ख वो सारे व्यंजन हैं तो हमारे इंग्लिश में ए आई ओ यू ये हमारे स्वर हैं और बाकी के जो बचते हैं ट्वेंटी वन कॉन्सोनेट्स वो हमारे व्यंजन हैं अभी नेक्स्ट हमें ये सीखना है कि ए एन एन और ए का यूज कहाँ पे होता है ओके okay? आपको पता ही है ए आई ओ एन यू आर द फाइव वॉवल्स जब भी हम कोई भी वर्ड वोवेल से स्टार्ट होता है तो उसमें हम हमेशा एन लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्ड बनाते हैं ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज अभी ऑरेंज जो वर्ड है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ओ ओ एक वोवेल है तो वोवेल के साथ वोवेल के आगे हमेशा ए एन एन का ही यूज होता है फिर से एक बार सुनिएगा ओ आर ए एन जी ई -E, ऑरेंज ये जो वर्ड है ऑरेंज इसका फर्स्ट लेटर है ओ ओ इज अ वोवेल तो वोवेल के आगे हमेशा ए एन एन ही लगता है आई बात समझ में अभी हम दूसरा वर्ड बनाते हैं बी आर डबल ओ एम ब्रूम ब्रूम यानि के झाड़ू अभी ये जो वर्ड है ब्रूम इसका जो फर्स्ट लेटर है वो है बी एंड बी इज अ कॉन्सोनेंट तो कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा ए लगेगा वापिस से सुनिएगा कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा ए लगेगा नेक्स्ट वाला वर्ड बनाते हैं एम ओ एन के ई के ई वाई मंकी मंकी का जो फर्स्ट वर्ड है वो है एम एंड एम इज अ कॉन्सोनेंट तो कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा क्या लगेगा अंकी आई बात समझ में ई ए जी एल ई ईगल ईगल एक बर्ड का नाम है अभी ईगल का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो है ई एंड ई इज अ वोवेल तो वोवेल के आगे हमेशा क्या लगेगा ए एन 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 ईगल अभी हम नेक्स्ट वर्ड बनाएंगे एच ओ एन ई एस टी ऑनेस्ट बी ओ वाई बॉय ऑनेस्ट बॉय अभी इसके आगे हम क्या लगाएंगे ए एन एन अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ऑनेस्ट बॉय के आगे मैंने ए एन एन क्यों लगाया आपने सुना मैंने क्या बोला ऑनेस्ट बॉय ये फर्स्ट जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है एच इज़ अ कॉन्सोनेंट पर इस वर्ड में एच साइलेंट है ऑनेस्ट बॉय ऑनेस्ट ओ से स्टार्ट होता है एंड ओ इज अ वोवेल आई बात समझ में तो एन ऑनेस्ट बॉय वापिस से मैं बोल रही हूँ एक बार वापिस से सुनिएगा ऑनेस्ट बॉय इसका जो फर्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट ये जो फर्स्ट वर्ड है एच एच इज़ अ कॉन्सोनेंट पर एच कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी मैंने ए एन एन लगाया क्यों लगाया क्योंकि जब मैं ये वर्ड बोल रही हूँ ऑनेस्ट तभी एच साइलेंट है मैंने एच ऐसे तो नहीं बोला है होनेस्ट ह थोड़ी प्रोनाउंस किया है एच इज़ अ साइलेंट वर्ड ऑनेस्ट बॉय एन ऑनेस्ट बॉय तो आज के हमारे ये टॉपिक में हमने ये सीखा कि वोवेल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू